और इस चैनल पर मेरी कोशिश रहती है कि कॉम्प्लेक्स का एकदम सिंपल एडजस्टमेंट्स में आप तक पहुंचा सकूं आज हम जिस स्ट्राटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं वो है वीकली आयरन फ्लाई स्ट्राटेजी और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ किसी भी स्ट्राटेजी चाहे वो आयरन फ्लाई हो आयरन कॉन्डोर हो उसको एडजस्ट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं जैसे लेयरिंग हो गया कन्वर्जन हो गया शिफ्टिंग हो गया इस चैनल पे आयरन फ्लाई वीकली एडजस्टमेंट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जहां पे मैंने स्ट्रांगल के साथ उसकी लेयरिंग करी थी बट आज मैं बात करने वाला हूँ कन्वर्जन के ऊपर इट ड मीन्स कि ये ही तरीका है आयरन फ्लाई को एडजस्ट करने का राधा वीके इट इज ऑल्सो अ वे टू एडजस्ट एन आयरन फ्लाई आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फेलोज ट्रेडर्स के साथ शेयर करिए ताकि इन एडजस्टमेंट्स को सीख के उनकी ट्रेडिंग जर्नी भी थोड़ी ईजी हो सके देखिए आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा ताकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ तो आप बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने वीडियो के ऊपर एज ऑलवेज स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे वीकली आयरन फ्लाई के लिए रूल्स क्या रहने वाले हैं क्रिएट एन आयरन फ्लाई अराउंड थ्री पी एम ऑन फ्राइडेज फॉर करेंट एक्सपायरी हमें क्रिएट कब करना है आयरन फ्लाई तीन बजे के बाद क्रिएट करना है फ्राइडेज के दिन फॉर द अपकमिंग एक्सपायरी करेंट एक्सपायरी का मतलब क्या है अपकमिंग एक्सपायरी सेल अ स्ट्राटल

300 पॉइंट्स दूर जाके हेजेस बाय करने वाले हैं ठीक है वन मोर थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि जब भी हम स्ट्रैडल बेचें देखिए 3 बजे तक का वेट करो 3 बजे से पहले तो इनिशिएट नहीं करना है व्हाई बिकॉज़ 3 बजे जो इंपल्सिव मूव आता है उससे हम थोड़ा बच सकें सेकंडली एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट ट्राई टू मैच द प्रीमियम्स जब भी कॉल और पुट के बीच का डिफरेंस मिनिमम हो तभी हमें इस स्ट्रेट को इनिशिएट करना है तभी हमें अपना स्ट्रैडल सेल करना है अब ये सारी चीजें कैसे होंगी बास्केट की हेल्प से होंगी आयरन फ्लाई को डिप्लॉय हमेशा बास्केट के रूप में करो पहले हेजेस बाय करके फिर एटीएम स्ट्रैडल सेल करने वाले लेग्स को डिप्लॉय करेंगे ठीक है आगे चलते हैं नो एडजस्टमेंट टिल द रेंज इज ब्रीच जब तक हमारी रेंज ब्रीच नहीं हो रही है रेंज का मतलब क्या है ये हमारा आयरन फ्लाई होगा ठीक है जब भी हमारी रेंज मतलब जो हमारे ब्रेक इवन है वो ब्रीच नहीं हो जाते तब तक हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है द रेंज इज ब्रीच क्लोज द लूजिंग लेग ऑफ द एंड शिफ्ट इट एडजिंग टू द हेज द मार्केट इज हेडिंग सपोज मार्केट अब नीचे जा रहा है ठीक है मार्केट नीचे की साइड जा रहा है तो मेरा जब पुट का ब्रेक इवन ब्रीच होगा तो हम क्या करेंगे हम अपने स्ट्रैडल के लूजिंग लेग को स्ट्रैडल के लूजिंग लेग को बुक करेंगे और उसे मूव करेंगे पुट के हेज के बगल में ठीक है मतलब पुट का हेज मेरा जहां पे भी होगा उसके जस्ट बगल में एडजस्टेंट टू हेज वे द मार्केट इज हेडिंग मार्केट नीचे जा रहा था ना तो पुट के हेज के बगल में हम इसको शिफ्ट करेंगे सारे डाउट अभी आपके सिमुलेटर पे दूर हो जाएंगे डोंट वरी अबाउट दैट अभी केवल रूल के ऊपर फोकस कर लो ब्रिंग द ऑपोजिट हेज इन साइड यूजिंग रिवर्स हार्वे रिवर्स हार्वे जो टेक्निक होता है अपने हेजेस को इन साइड बाय करने का उसको यूज करेंगे हम और अपने ऑपोजिट साइड के अब कॉल का साइड का जो हमारा हेज है हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं उसको भी हम अंदर शिफ्ट करेंगे लेकिन कैसे करेंगे हर एक स्ट्राइक के बीच में टेन पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए उससे ज्यादा का अगर डिफरेंस आ रहा होगा हम हेज को अंदर शिफ्ट नहीं करेंगे ठीक है सपोज दस रुपए का चल रहा है और उसके बगल वाला स्ट्राइक ट्वेंटी टू का चल रहा है वी विल नॉट डू द एडजस्टमेंट वी विल नॉट ब्रिंग द दिन साइड बट अगर ये दस का चल रहा है उसके बगल वाला फिफ्टीन का चल रहा है तो डिफरेंस टेन पॉइंट से कम का है सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग इट इन साइड ठीक है अंदर लाने से क्या होगा हमारा ऑपोजिट साइड का भी रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा राइट टेन पॉइंट हमें करने हैं जब हम इसको निफ्टी में परफॉर्म करेंगे स्ट्रिक्टली फॉर निफ्टी बट अगर आप इसको बैंक निफ्टी में परफॉर्म कर रहे हो इस को तो ये नहीं ट्वेंटी पॉइंट हो जाएगा ठीक अच्छा बिफोर मूविंग अहेड विद द सिमुलेशन हम एक बात कर लेते हैं आयरन फ्लाई का एक पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगा देखिए आयरन फ्लाई एक हाई एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसको लॉस फ्री या फिर लॉस मिनिमाइजेशन के लिए हमें काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और वो एडजस्टमेंट्स में हमारा अच्छा खासा ब्रोकरेज चला जाता है मुझे इस इश्यू से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आए थे अपने लास्ट आयरन फ्लाई वीडियो में तो आज मैं उसके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ और वो सोल्यूशन है एम स्टॉक बाय मेरा सेट अगर आप एम स्टॉक के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आप स्टॉक्स फ्यूचर्स ऑप्शन करेंसी मार्केट म्यूचुअल फंड आईपीओस किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने के लिए आपका जो ब्रोकरेज लगता है वो होता है जीरो मतलब कि ऑल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एट जीरो और इनका मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इज ओनली एट सिक्स पॉइंट नाइन मतलब अब आप चाहे इंटरडी ट्रेड करें चाहे पोजिशनल ट्रेड करें चाहे आपके जितने भी एडजस्टमेंट लग जाए किसी भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड को एडजस्ट करने में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको एक रुपए का भी ब्रोकरेज नहीं देना है यहाँ पे साफ मैं नो ऑर्डर लिमिट नो एक्सपायरी रेस्ट्रिक्शन नो सब्सक्रिप्शन जीरो ब्रोकरेज एंड नो हेड एंड चार्जेस फॉर लाइफ और अगर हम पिछले एक साल की ग्रोथ देखते हैं एम स्टॉक की तो पिछले एक साल में इनके 8.5 लाख प्लस यूजर्स आ चुके हैं एक साल में इन्होंने 145 करोड़ से भी ज्यादा का ब्रोकरेज सेव कराया है अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो फोर स्टार प्लस रेटिंग है रिटेल क्लाइंट होल्डिंग इनकी है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी करोड़ प्लस जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है इसके अलावा हम ट्रेड्स की बात करते हैं तो फोर्टी करोड़ प्लस ट्रेड्स एम स्टॉक में लिए जा चुके हैं केवल एक साल में एम स्टॉक में अकाउंट खुलाने के देखिए दो ऑप्शन आपके पास होते हैं एक ऑप्शन था इनके पास वन का जिसको उन्होंने अभी जीरो कर दिया है मतलब की फ्री अकाउंट ओपनिंग होगी वहां पे आपका ट्वेंटी रुपीज पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन ब्रोकरेजेस लगेंगे चाहे वो इंटरडे हो या फ्यूचर ऑप्शन या करेंसी ट्रेड्स हो बट अगर आप ट्रिपल नाइन के साथ अपना अकाउंट ओपन कराते हैं मतलब वन टाइम कॉस्ट आप अगर पे करते हैं ट्रिपल नाइन की तो आपका ब्रोकरेज जीरो फॉर लाइफ हो जाएगा अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और इसके साथ साथ अगर आप अपना एएमसी भी फ्री कराना चाहते हैं तो एक एडिशनल अमाउंट आपको पे करना होगा ट्रिपल लाइन का जिससे आपकी एएमसी भी लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगी ज प्लेटफॉर्म सारे क्वेश्चन को ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं तो वहां है, है मिराई एसेट्स की तरफ से जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फंड हाउस है इनका प्री इनकम टैक्स इज नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी टू मिलियन यूएस डॉलर इक्विटी कैपिटल अगर आप देखते हो तो फिफ्टीन पॉइंट थ्री बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है और क्लाइंट एसेट अगर हम देखते हैं तो 535 बिलियन यूएस डॉलर है और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स की भी अगर बात करता हूं तो एम स्टॉक के पास है वन वन क्लिक क्लिक ऑर्डर ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड प्लेसमेंट आप अपने स्टॉक्स को वॉइस सर्च के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं प्लस इनके प्री डिजाइन इंडेक्स बास्केट रहती है गोइंग थ्रू ऑल द फेवरेबल पॉइंट एंड फीचर्स आपको एम स्टॉक एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट अब हम आ चुके हैं अपने सिमुलेटर के ऊपर मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे स्टॉक मॉक आप इसे ऑप्स्ट्रा पे भी कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है निफ्टी आप इसे बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं मार्च चल रहा है तो हम मार्च की ही दो एक्सपायरीज ले लेते हैं और देखते हैं कितनी बार हमारे एडजस्टमेंट्स ट्रिगर होते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के दिन हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे तीन बजे के बाद हम देखेंगे जब भी हमारे एटीएम के प्रीमियम्स ऑलमोस्ट सेम होंगे हम तब इस ट्रेड को इनिशिएट करने वाले हैं तो अगर आप देखोगे 164 और 153 अच्छा खासा प्रीमियम के बीच में डिफरेंस है एक बार थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं तो अराउंड 315 पे हमारा प्रीमियम ऑलमोस्ट मैच होता हुआ हमें दिख रहा है 155 और 157 ठीक है यहाँ पे हम अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं तो हमने बनाया एटीएम पे स्ट्रैडल इनका जो प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है और मोटा मोटा देखे तो तो के आसपास का प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है। तो 300 दूर जाके हम इनके कर लेंगे, ठीक है? ये हमारे हेजेस भी बाय हो गए हमारा एक आयरन फ्लाई रेडी है एस्टिमेटेड मार्जिन यहाँ पे हमें सेवेंटी थाउजेंड के आसपास का दिखा रहा है मैक्स प्रॉफिट अराउंड तो हमें वो टारगेट लेके निकल जाना चाहिए क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो अगेंस्ट बिग इंस्टीट्यूशन एंड बिग प्लेयर्स और आजकल की वॉलिटिलिटी में एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड से पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है इसलिए रियलिस्टिक टारगेट्स को लेके जब तक आप मार्केट में चलेंगे आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं हम पंद्रह मिनट से आगे चलेंगे ट्रेड में और देखते हैं कितनी बार हमें एडजस्टमेंट ट्रिगर हुआ है इस ट्रेड में जब तक मेरे ब्रेक इवेंट जो कि ट्वेंटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी और 22,560 है ये ब्रीच नहीं हो जाते तब तक मैं किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाला हूं ठीक है और जैसा मैंने बोला था वन परसेंट का हमारा टारगेट होना चाहिए हमें मंडे के दिन ही अराउंड दो बजे अपना टारगेट मिल चुका है बट क्योंकि मैं यहां पे केवल आपको सिमुलेशन करके दिखा रहा हूं कि रेंज टूटने के बाद हमें कैसे एडजस्ट करना है इसलिए हम एंड तक चलेंगे आगे चलते हैं ट्यूसडे अराउंड टेन थर्टी इलेवन आप देखोगे तो ऑन डिप्लॉयड कैपिटल यू हैव अटेन ऑलमोस्ट टू पॉइंट सेवन परसेंट विच इज क्वाइट ह्यूज वेंसडे हो चुका है आप 4.7 परसेंट के प्रॉफिट के आसपास बैठे हो सो so, समझदारी तो इसी में है कि इस ट्रेड को यहीं पे क्लोज कर देना चाहिए ऑलमोस्ट एक्सपायरी का दिन आ चुका है तो अगर आप देखते हो इस वीक हमारा कोई भी एडजस्टमेंट ट्रिगर नहीं हुआ एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं ट्रेड को लॉसलेस करने के बहुत सारे तरीके हैं आयरन फ्लाई को लॉसलेस करने के बहुत सारे तरीके हैं और अगर मैं आयरन फ्लाई ट्रेड कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं उसे दूसरे या तीसरे दिन उसके लॉस को एलिमिनेट करना चाहूंगा बट एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में मैं आपको एक बार में एक ही तरह का एडजस्टमेंट बता सकता हूं इसलिए मैंने यहां पे कोई अलग एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं जो मैंने रूल्स में लिखा था मैं केवल उसको फॉलो करता हुआ चल रहा हूं ठीक है अब अगले वीक का देख लेते हैं जैसे आप देख रहे हो एट को हॉलीडे था तो वी विल ट्राई कि हम थर्सडे के दिन ही अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी जो कि हमारी ऑफ मार्च के लिए है तो हमें क्या करना है तीन बजे आना है मैच कराने हैं के क्या मैच हो रहे हैं आसपास भी नहीं है इसमें भी अभी बारह रुपए का डिफरेंस है थोड़ा सा आगे जाके देख लेते हैं तो 128 एंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स यहां पे हमारे प्रीमियम्स मैच हो रहे हैं सो वी कैन सेल कैंड्राडल एंड अगर हम इसका सम करते हैं तो 126 ट्वेंटी सिक्स इन वन ओवरऑल ये 250 होता है तो हम 250 पॉइंट्स आगे जाके अपने हेजेस को बाई कर लेंगे ठीक है और यहां पे हमारा आयरन फ्लाई रेडी हो जाएगा अगेन 63,000 का डिप्लॉयड कैपिटल है मैक्स प्रॉफिट पे मेंशन है क्योंकि प्रीमियम कम था इस वजह से हमारा मैक्स प्रॉफिट भी थोड़ा कम है मैक्स लॉस भी थोड़ा कम है राइट हमारे ब्रेक इवेंट है ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर ठीक जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे हम किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे ठीक है 15 मिनट से आगे चलते हैं तो अगर आप देखते हो यहां पे मंडे के दिन अराउंड सवा तीन बजे हमारा पुट साइड का ब्रेक इवन ब्रीच हो चुका है तो एज पर द रूल्स डिस्कस्ड हम क्या करने वाले हैं अपने लूजिंग को ऑफ द स्ट्रेडल हम इसको बुक करेंगे और अपने पुट के हेज के एडजेसेंट मूव करेंगे ठीक है पहला स्टेप तो ये हो गया इससे मैंने क्या किया कि अपना डाउन साइड का रिस्क एलिमिनेट कर दिया है बट अगेन एट द सेम टाइम मेरा अप साइड का रिस्क बढ़ चुका है ठीक है अगर आपका प्राइस एक्शन अच्छा है आप मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप इस रिवर्स हार्वे को अवॉइड कर सकते हो बट यहां पे मैं एक न्यूट्रल बायसनेस के साथ चलूंगा और जो कुछ भी मैंने अपने रूल्स में लिखा है मैं उस हिसाब से ट्रेड को आगे लेके जाऊंगा अब इस अपसाइड के लॉस को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे हम अपने कॉल के हेजेस को अंदर लेके जाएंगे और कैसे लेके जाएंगे जब भी इनके बगल के स्ट्राइक का डिफरेंस टेन रुपीज से कम होगा हम तभी तक जाएंगे वरना आगे नहीं जाएंगे ठीक है जैसे अगर हम देखते ट्वेंटी टू सेवन फिफ्टी से ट्वेंटी टू सेवन हंड्रेड से 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 पे हम आते हैं तो हमारा डिफरेंस आ रहा है ऑलमोस्ट पांच रुपए का एंड सिक्स फिफ्टी से आते तो ऑलमोस्ट सेवन रुपए का और यहाँ पे आते हैं ऑलमोस्ट नौ रुपए के आसपास का डिफरेंस है तो हम इसको कर सकते हैं ठीक है क्यों कर रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट अगर पलट करेगा राइट तो एक बार हम हेजेस को अंदर ले जाते हैं और जो मेरा आउटर हेज था उसको बुक कर लेता हूँ यहाँ पे आप देखोगे नाइन थाउजेंड से मेरा लॉस एलिमिनेट होके फाइव थाउजेंड के आसपास ही रह गया है ठीक है चलते हैं आगे वेंसडे का दिन आ चुका है और आप अगर देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है पहली चीज यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मुझे वन परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दूसरी चीज क्या हम नीचे का प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं इसका क्रेडिट बढ़ा सकते हैं बिल्कुल बढ़ा सकते हैं और वो हम कैसे करेंगे हम अपने कॉल लेग को एग्जिट करके जहां पे हमारा पुट का सोल्ड लेग है सेम पॉइंट पे लाके कॉल को भी सेल कर देंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा डाउन साइड में ऑलमोस्ट फोर परसेंट का प्रॉफिट लॉक हो जाएगा बट अप साइड में क्योंकि हम इतना बड़ा लॉस लेके जाएंगे नहीं तो हम यहाँ पे भी रिवर्स हार्वे को अप्लाई कर सकते हैं हम नीचे से एक एक स्ट्राइक आएंगे अंदर अगर दस रुपए से ज्यादा का डिफरेंस होगा तो हम हेज उससे ज्यादा नीचे नहीं लाएंगे ठीक है तो ट्वेंटी टू सिक्स फिफ्टी से सिक्स हंड्रेड पे तीन रुपए का डिफरेंस है यहाँ पे ऑलमोस्ट पाँच रुपये का डिफरेंस है यहाँ पे सात रुपये का डिफरेंस है यहाँ पे ऑलमोस्ट नौ रुपये का है तो हम यहाँ पे फिर से लुक जाएंगे और अपने आउटर हैच को एग्जिट कर देंगे ठीक है हमारा मैक्स लॉस इज अगेन अराउंड फाइव थाउजेंड रुपीज एक बार आगे चलते हैं अभी भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट टू पॉइंट का प्रॉफिट हमें चल रहा है और इस लॉस को एलिमिनेट करने के लिए आप फिर से अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जब भी मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देने आप आप का, का यहां पे भी चार का है, तो आप अपने को अंदर ला सकते हो और आउटर हेज को एग्जिट कर सकते हो आप देखोगे कि आपका ऑलमोस्ट थ्री परसेंट का जो प्रॉफिट है वो लॉक हो जाएगा अब मार्केट कहीं पे भी जाए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आज के इस वीडियो में मैंने एक सिंपल कन्वर्जन बताया है जिसके थ्रू आप जब मार्केट डायरेक्शनल हो जाता है अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर सकते हैं उनको बचा सकते हैं डेट डीन कि इसके और एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं जैसे मौका मिलने पर आप अपने प्रॉफिट को कैसे लॉक करते हैं ऑपोजिट साइड से कैसे आप सेलिंग करते हैं इस्ट्राइव की हम कब शिफ्टिंग करते हैं इस तरह के सारे एडजस्टमेंट्स मैं इस चैनल पे आगे अपलोड करता रहूंगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे लाइव ट्रेड्स देख सके तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं अपने वीकली ट्रेड्स या मंथली ट्रेड्स या इंट्रा ट्रेड्स जो भी लाइव डिप्लॉय करता हूँ वहां पर अपलोड करता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में भी आपसे मुलाकात होगी टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.